तो उससे यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, तो कुछ रास्ता बचा नहीं था, तो हमने आखिरकार इस इन दोनों को यहाँ पर डिस्प्ले पे लगा दिया है। रात के जिसको ये दो बज पसंद आ चुके रहा, हैं जिसको ब्लैक पसंद है ब्लैक ले जाओ, जिसको केचुआ इमेज 100 पसंद है वो ले जाओ। तो भयंकर अपन दोनों ने भयंकर अपना टेंट लगा लिया और एक अंदर है कि रात के 2 बज चुके, 6:30 तक उठना है हमने। अरे हाँ है ना, साइड से तो 6:30 तक उठना है हमने। 6:30 के बाद हमें रवाना होना है। अब कल ये टेंट कहाँ लाएगा हमें खुद नहीं मालूम, सोते अब। कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस फ्रॉम चेन्नई। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा गोवा का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम निकलने वाले हैं कर्नाटका की ओर, तो हम सीधे जा रहे हैं मैसूर। वहाँ पर एक और पर्सन है, वो भी वेट कर रहे हैं। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हो, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सके। बाकी बिना देरी करते हुए चलिए सफ़र शुरू करते हैं। न्यू स्टेट न्यू ब्लॉक। गोवा से हम निकल रहे हैं तो वीरेन हमें छोड़ रहा है। अब पता नहीं इससे कब मुलाकात होगी। तो अभी बस के लिए निकल रहे हैं हम, तो ये ऊपर छोड़ेगा हमें। फिर हम रात की 11 बजे की ट्रेन है, तो अभी 3 बज रहे हैं दिन के, क्योंकि इसकी नाइट ड्यूटी है तो रात को छोड़ नहीं सकता है। तो बस इसलिए जल्दी निकल रहे हैं हम। तो बाकी सफ़र एंजॉय करिए। तो दोस्तों बस ने 3 घंटे लगा दिया मडगांव पहुँचने पहुँचते। कभी लोकल बस मत लेना अगर आप मापुसा से चल रहे हो मतगाँव के लिए। अगर लेना तो एसी वाला लेना, टिकट भी सस्ता, वो डायरेक्ट पहुंचाएगी। और ऐसी जगह पे छोड़ा कि यहाँ से कम 7 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमें कोई नॉर्मल रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। जहाँ से हम जा रहे हैं दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, आप पैदल ही निकल रहे हम। बाकी स्टे ट्यून्ड। तो ये यहाँ से हमने क्रॉस करना है, तो यहाँ से क्रॉस करना है हमने 7 किलोमीटर है। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, जाने के बाद कुछ खाना वगैरह भी खाना है। तो ये यहाँ पर टावर वगैरह बना है, तो चलिए अभी मिलते रेलवे स्टेशन में पहुँचने के बाद। तो दोस्तों चलते चलते यहाँ पर हमें बहुत सारे चर्च दिखे, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा चर्च लगा। बेल बज रहा था हमें, तो दिखाऊंगा थोड़ा। ये है शायद, ये भी बहुत पुराना चर्च होगा। तो पता नहीं चल रहा कौन सा वाला चर्च है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि अंदर जाता, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि ट्रेन भी छूट जाएगी, वरना बाहर से हमने हाथ उठ जोड़ लिए। बाकी खाना वगैरह भी नहीं खाया, खाना वगैरह भी देखना है। तो दोस्तों कम से कम आधा घंटे का मौका दिखाता हूँ आपको। ये है मैप, तो 26 मिनट और चलना है हमने, तो चल रहे। भयंकर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है यार, कुछ खाया नहीं है, लिफ्ट वगैरह भी नहीं मिली। अकेला बंदा होता तो मिल जाती शायद, लेकिन 2 बंदे हैं, एक बंदा पीछे फंस के रह जाएगा, इसलिए दोनों चल रहे हैं। तो फाइनली गाइस हाँ, आधे घंटे के बाद मदगांव हम पहुंच चुके हैं। तो चलते चलते हालत पतला हो गया, भूख लग रही थी। तो रास्ते में जिसका दुकान मतलब तो मैंने बनाना शेक ऑर्डर किया और इसने वाटर मिलन शेक, तो पीते हैं। और उसके बाद हमने ये ब्रेड वगैरह लिया है, क्योंकि यहाँ पर जैसा हम खाना खाते हैं कुछ भी खाना नहीं मिलता भाई, बहुत दिक्कत पड़ गई। तो ब्रेड वगैरह ले रखा है रास्ते में, रास्ते के लिए। अब देखते हैं साउथ के लिए जा रहे, साउथ में पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस हाँ, हम स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। ये खाना है हमारा, कुछ भी नहीं खाया था, ये खाना है हमारा, ये खाएंगे। और रास्ते के लिए ब्रेड ले रखा है, तो
अभी जितना एफोर्ड हो सका उतना ही कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब रात की ट्रेन है 11 बजे की, अब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों अभी टाइम 9 बज रहे हैं, तो 11 बजे की ट्रेन है। तो कल रात भर मतलब मुझे नींद नहीं आई थी, तो थोड़ा सा सो रहा हूँ, मतलब सो क्या रहा हूँ, मतलब ऐसे लेट रहा हूँ। तो ये यहीं पर मैंने मैट बिछा दिया है, तो यहाँ पर एक फ़ोन देख रहा है, ये मुझे उठा देगा अभी 10-15 के करीब। तो थोड़ा सा लेटता हूँ यहीं पर, हमारा तो ऐसा ही है देख सकते हो। बाकी अभी ट्रेन आने के बाद पूरा ट्रेन का सफ़र आपको दिखाऊंगा। फाइनली गाइस ट्रेन आ चुकी है। ये आ गई हमारी ट्रेन पूरे 1 घंटा लेट। तो दोस्तों पूरे 1 घंटा लेट ट्रेन। एक तो हम दिन से निकले हुए थे और ट्रेन ने और लेट कर दिया, और ये आई थिंक सुबह छोड़ेगी हमें 8 या 9 बजे के करीब बुरी स्टेशन, फिर वहां से भी दूसरा ट्रेन लेना है भाई साहब। तो ये अभी रुकेगी, तो ये अपना कोच और जो हमारा सीट नंबर है वो 71 एंड 72। तो ये है, तो वो अंदर से गया और हमारा सीट है यहाँ, वो पीछे से आ रहा है, तो यहाँ है हमारा। ये है 71 एंड 72, आप देखते हैं। तो ये अपनी सीट 71 एंड 72। तो दोस्तों ये सीट मिल चुका है हमें, तो अब ट्रेन भी निकल चुकी है मदगांव से, तो ट्रेन भी निकल चुकी है, अब सीधे सुबह मिलते हैं, बहुत थक चुके हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, अभी ट्रेन में है अब, तो अभी ट्रेन पूरा का पूरा 1 घंटा लेट है, और कर्नाटक में जैसे घुस गया ठंडी बढ़ गई। अभी पूरी स्टेशन छोड़ेगी हमें, उसके बाद हमारी फिर शाम की ट्रेन है मैसूर की ट्रेन। बाकी देखो सुबह हो चुकी है, तो चल रही है अभी ट्रेन। तो फाइनली गाइस ये ट्रेन जा चुकी है हमारी, और हम आ चुके हैं बिरूर स्टेशन। तो यहाँ से शाम की है 5 बजे की ट्रेन, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है। यहीं पर वेटिंग हॉल में बैठेंगे पूरा टाइम पर, बाकी इससे क्यों। यहाँ अंदर आने के बाद काफ़ी शांत और साफ रेलवे स्टेशन लगा ये बिरूर जंक्शन, कर्नाटका में है ये। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर वेटिंग हॉल में, अभी हम दोनों मिला और कोई नहीं है, खाली है पूरा एकदम। बाहर भी दिखाता हूँ, बाहर भी एकदम रेलवे स्टेशन खाली है। तो बस रात को हम 12 बजे बैठे थे और कुछ ढंग से सोने को भी नहीं मिला, तो मैं तो अभी यहीं पर सो रहा हूँ, यहीं पर अपना मैट बिछा लिया है, तो मैं तो यही सो रहा हूँ। फिर शाम को 5 बजे का ट्रेन है, वो 10 बजे के करीब छोड़ देगी हमें मैसूर, फिर मैसूर में भी रेलवे स्टेशन में हमें रात बिताना पड़ता है, क्योंकि हम अब रूम वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेने वाले और ना धर्मशाला वगैरह। बाकी स्टे ट्यून। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं, जब सुबह आया था तो स्टेशन खाली था, अब थोड़ा सा जब ट्रेन आती है तब थोड़ा सा भीड़ हो जाता है, तो अभी स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो अभी इसके बाद 1/2 घंटे बाद फिर अपनी ट्रेन आएगी, वो 3 घंटे के अंदर अंदर हमें मैसूर छोड़ देगी। अब मैसूर में हमारे एक और यूट्यूबर दोस्त जो हमें ऑनलाइन ही मिले थे, वो वेट कर रहे 2 दिन से, वही स्टेशन पर ही है, वो भी हमारी तरह ट्रैवलर है, उनका नाम राजवीर है। बाकी आई थिंक साउथ का टूर बीच में हो सकता है, हम थोड़ा सा स्पीड हो जाए, लेकिन बाकी मैक्सिमम हम साथ ही करने वाले हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। फिर तो दोस्तों अपनी भी ट्रेन आ चुकी है, तो
वो लाइट दिख रहा होगा आपको दूर, वो आ रही है हमारी ट्रेन। तो जो कोच नंबर है ये स्लीपर वाली नहीं है शायद, ये सीटिंग है तो बैठ के जाना हम लोगों को। तो D2 वो है D1, तो D1 पे जा रहे हैं हम, बस बैठते हैं अब। पूरा दिन रेलवे स्टेशन में बिताने के बाद आप निकल रहे हैं हम। तो फाइनली दोस्तों कर्नाटका हमारा नेक्स्ट स्टेट हम पहुंच चुके हैं मैसूर स्टेशन में। तो अभी बाहर जा रहे हैं, तो राजवीर ने कॉल किया था, बोला कि मतलब प्लेटफॉर्म के बाहर ही मैं खड़ा हूँ, लाल झंडा होगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलना है हमने। तो अब राजवीर भी हमारे साथ ही, हम मतलब साथ साथ ही ट्रैक वगैरह करेंगे यहाँ से पूरा साउथ इंडिया, देखते मज़ा आएगा। लेकिन तब तक स्टेडियम अब भूख लगी है, खाना खाते हैं, देखते क्या मिलता है। तो दोस्तों आ रहा है राजवीर, आ रहा है यहीं पर आएगा, तो उसका कॉल आ गया। हाँ कहाँ हो? हाँ, आ रहा अरे जेब्रा क्रॉस करके ना सीधे सीधे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। दोस्तों यहाँ पर हमारे दोस्त मिल चुके हैं अब राजवीर भाई, तो हमारी वजह से 2 दिन के लिए यहीं पर रुके हुए थे, दो दिन यहीं पर रुके हुए थे। अब यहाँ से सफर कंटिन्यू करना है हम लोगों का, तो बाकी स्टेडियम। दोस्तों ये हम यहाँ पर लगा दिया है आपका, तो भाई ने भी आपका ट्रेन खोल दिया और तो भाई आज रात मैसूर के स्टेशन के बाहर हम लोग ऐसे सो रहे हैं। तो बाकी इस तरीके का सेटअप है अपना, और जो भी सामान वगैरह वो हमने टेंट के जो अंदर का चेन है उसमें डाल दिया है, अब कोई भी नहीं ले जा सकता यहाँ से है राजीव भाई, कोई ले जा सकेगा? तो भाई दोस्तों यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, तो कुछ रास्ता बचा नहीं था, तो हमने आखिरकार इन दोनों को यहाँ पर डिस्प्ले पे लगा दिया है। रात के 2 बज चुके हैं, हैं? ब्लैक पसंद है ब्लैक ले जाओ, जिसको केचुआ है तो वेंगर, अपन दोनों ने वेंगर अपना टेंट लगा लिया और एक अंदर है कि रात के 2 बज चुके हैं, 6:30 तक उठना है हमने। हाँ है ना साइड से, तो 6:30 तक उठना है हमने, 6:30 के बाद हमें रवाना होना है। अब कल ये टेंट कहाँ लाएगा हमें खुद नहीं मालूम, सोते अब यहाँ पर हम सोए, यहाँ से पूरा लोग सोए हुए हैं, यहाँ पर अकेला है अंकल सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बैग लगा हुआ है हमारा और ये हम ट्रेन के अंदर है। भाई साहब ये देख सकते हो आप, क्या क्या करने पड़ते हैं रे। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, तो ये हमारा टेंट वगैरह है, हम 2 उठ गए, अभी जी उठ रहा है, अभी टेंट वगैरह पैक करना है, उसके बाद हमें मोबाइल वगैरह चार्ज के लिए जाना है, तो जल्दी जल्दी अभी पैक करते हैं फिर निकलना हमने। तो आगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो भाई को, जैसे पिछले वाली वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे, ऐसे कर दो यार, यार देख के मत जाओ वो लाल कलर दबा दो। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।